नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए जो आज मतदान हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, वो वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है और चुनाव आयोग की ओर से अब साफ कर दिया गया है। अगर हम औसत मत प्रतिशत देखें, मतदान प्रतिशत देखें, तो 97.84% है। इस वीडियो में हम आपको हर ज़िले में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वो आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से इस MLC चुनाव में, इस विधान परिषद के चुनाव में खूब रुपया बहा, आकलन अगर हम करें तो हम कह नहीं सकते कि कितना रुपया बहा होगा 24 सीटों पर, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जो उम्मीदवार थे वो दोनों ही धनबली थे। खूब स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनकर आए जनप्रतिनिधि थे उनकी खूब खातिरदारी हुई, खूब सेवा हुई, खूब मोटी पगड़ी बांधी गई, पैर पूजन भी अच्छे खासी हुई है। लेकिन ऐसे में अब जब वोटिंग समाप्त हुई है तो वोटिंग परसेंटेज ही इस बात को बता रहा है कि जिन्होंने भी जितना खर्च किया हो। लेकिन इस बात को स्पष्ट समझ ले, जो वोटिंग परसेंटेज निकल के आ रहा है चुनाव आयोग की ओर से, ये स्पष्ट बता रहा है कि जिन किन्हीं ने भी जितना भी खर्च किया हो, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उन्होंने अपने मतदाताओं को वोटिंग बूथ तक पहुंचाया, वोट करवाया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, देखिए अब से कुछ देर पहले HR श्रीनिवासन जो कि मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के बिहार के, उनकी ओर से जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं कि जो एवरेज परसेंटेज है, एवरेज जो निकाला गया है पोलिंग परसेंटेज, वो 97.84% का है। अगर हम ज़िले वाइज देखें तो पटना सीट पर 98.02% मतदान हुआ है, नालंदा में 99.33% मतदान हुआ है, गया जहानाबाद अरवल सीट पर 99.57% मतदान हुआ। यानी कि समझिए, देखिए जितने स्थानीय निकाय कोटे के जनप्रतिनिधि थे, MLA थे, MLC थे, सांसद थे, सभी ने वोट दिया है। औरंगाबाद में भी खूब रुपया बहा था, चर्चा खूब हुई थी, 99.80% वहाँ का मतदान प्रतिशत आया है। नवादा में भी 99.54% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। भोजपुर बक्सर में 99% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। रोहतास कैमूर में 99.49% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सारण में भी 94% वोटिंग हुई है। सिवान में 99.46% मतदान हुआ है। गोपालगंज में 98.98% का मतदान हुआ है। पश्चिमी चंपारण में 98.93% का मतदान हुआ है। पूर्वी चंपारण में थोड़ा परसेंटेज जो है वो डाउन हुआ है, वहाँ 91% ही पोलिंग हुई है। वहीं अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 99.49%, समझिए 99.49% जो वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। वैशाली में भी 99.67% लोगों ने मतदान किया है। सीतामढ़ी शिवहर में 99% पोलिंग परसेंटेज रहा। दरभंगा में भी 99.40% पोलिंग परसेंटेज रहा। समस्तीपुर में 97.99% पोलिंग परसेंटेज रहा। मुंगेर सीट की अगर हम बात करें, मुंगेर जमुई लखीसराय शेखपुरा में 99.34% पोलिंग परसेंटेज रहा। बेगूसराय खगड़िया में 97.86% मतदान हुआ। सहरसा मधेपुरा सुपौल में 98.38% मतदान हुआ। भागलपुर बांका में 99.30% मतदान हुआ। मधुबनी में 95.76% तक का मतदान हुआ है। पूर्णिया अररिया किशनगंज में 98.38% तक का मतदान हुआ है। कटिहार में भी 99% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ऐसे में 97% तक की एवरेज वोटिंग हुई है, जिसका अब से कुछ देर पहले ऐलान हुआ है 97.84% का मतदान हुआ है। और ऐसे में आप समझ आइए, यानी कि वोटर्स को पकड़ पकड़ कर ले जाकर वोटिंग करवाया गया है। जितने स्थानीय निकाय कोटे के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोगों ने मतदान किया। आप समझ सकते हैं लगभग एवरेज परसेंटेज जो है वो 97% के भी पार है। तो आप समझिए इस MLC चुनाव में जहाँ एक तरफ खूब रुपया बहा है, खूब टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, वहीं वोटर्स ने भी इस बार बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। अब 7 अप्रैल को जब मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, उस दिन देखना यह होगा कि विजय का तिलक किसके सर लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।